है तो हर दिन सीखना है और यहाँ से कुछ लेकर के सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे पता नहीं है। क्यों पढ़ रहे हो? शौक है। पागल हो क्या? हाँ पागल तुमसे नहीं, मैं बताया तो लोग मिलेंगे कहेंगे अरे नहीं हो पाता भाई, आईआईटी के लिए एक अलग ही टाइप का कैलिबर चाहिए होता है। तो हाँ तो तुम एक क्वेश्चन पूछना, क्यों नहीं हो पाएगा भाई साहब? हम तो कर रहे हैं, कह रहा है तो वो आपको कहानी सुनाएगा। मेरे एक भैया थे ना जो बहुत पढ़ते थे तुम्हें पता है, और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ तो वो कर नहीं पाए, तो तुम कह रहे हो तभी तो हम कर रहे हैं। जो चीज हर किसी से हो जाती है वो हम कर रहे हैं। चीज दुनिया में हर किसी से हो जाती हो, किसी भी चीज को जब भी करो तो एक बात याद रखना कि कोई भी काम छोटा और बड़ा वही एक डायलॉग जो हमेशा बोलता हुआ आया हूँ, या तो किसी चीज को करना ही नहीं होता, और अगर करना है तो 100% करना होता है। ये बीच वाली जो सिचुएशन होती है ना, इंटरमीडिएट स्टेज, कर भी रहे हैं, कभी कर लिया कभी नहीं किया, ये वाली जो जिंदगी है ना, ये सबसे फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी है। हाँ तो बिल्कुल ही मत करो बिंदास, जिंदगी जीने आए हम तो कोटा, घूमो फिरो एंजॉय करो। तो उसका भी एक ये होगा कि बिगड़े तो अच्छे से बिगड़े, है ना, या फिर मेहनत करनी है तो अच्छे से करो। ये तुम जो बीच वाली इंटरमीडिएट स्टेज में हो ना, पढ़ भी लेते हो, किसी दिन नहीं पढ़ते तो अपने आप को ही गालियां देते हो, ये लो यार पढ़ नहीं रहे, पिताजी ने भेजा था पढ़ने, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो क्या होता है ना, ऐसे लोग अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाते। दो ही लोग अचीव करते हैं, या तो जो बहुत कम उम्र में बिगड़ जाए अच्छे से, मतलब अच्छे से बिगड़ गए मतलब, तो अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब उनकी सारी डिजायर्स खत्म हो चुकी होंगी। आप जैसे लोग होंगे वो करेंगे तो है लेकिन अच्छे से नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे लेकिन वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपकी क्या होगी, ड्रीम होगी। तो वो क्या ना, एक हमेशा क्या रहेगा दिमाग में, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। और तीसरी कैटेगरी है कि करेंगे तो बिंदास तरीके से करेंगे, ठीक है, तो परफेक्शन के साथ करो। ट्वेल्थ में जाने के बाद दिमाग में एक % भी एक थॉट मत रखना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पढ़ूंगा तभी तब सिलेक्शन होगा, ये सब साइड की बातें हैं। बस पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है, फोकस एक ही चीज पर कि अब जो गलतियां पिछले साल हुई थी वो इस साल नहीं होनी चाहिए, और जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारना है। क्या करना है? सुधारना, अपने आप पे फोकस रखना। देश दुनिया में आस पड़ोस में क्या चल रहा है किसी से कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके की एडवाइजेस देंगे, और जब आप वो एडवाइजेस सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सही कह रहा है, ये भी मैं बता देता हूँ, आपको ऐसा फील नहीं होगा वो गलत कह रहा है, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि जब इंसान अंदर से परेशान होता है ना तो उसको हर किसी की बात सही लगती है। तो आपको कोई भी एडवाइस करेगा तो आपको लगेगा कि यार सही कह रहा है, लेकिन हकीकत में बता देता हूँ सही कुछ भी नहीं है। सही एक ही चीज़ है, अभी मेहनत करोगे तो हो सकता है अभी तुम्हारी बहुत बुरी स्थिति हो, कोशिश करोगे तो धीरे धीरे ऊपर जाओगे, और अगर मेहनत नहीं करी तो जहाँ हो वहाँ से भी नीचे चले जाओगे। तो एटलीस्ट इंसान को अपनी लाइफ में वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए जितना वो क्या करता है, डिजर्व करता है। और हर इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है उसके अंदर कोई ना कोई तो काबिलियत है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है। तो अगर आप एफर्ट करोगे तो ये निश्चित है यहाँ से ऊपर ही पहुँचोगे, क्योंकि किसी का एफर्ट कभी वेस्ट हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस फॉर्म में ना मिल रहा हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो और आपको उसका रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो ये जो एनर्जी है ना वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो करके आपकी लाइफ में आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। और सिंपल सी बात है, चाहे लक कितना भी बुरा हो, चाहे किस्मत कितनी भी बुरी हो, ठीक है, जिसके अंदर काबिलियत होती है ना, अगर उसके सारे रास्ते भी बंद हो जाएं, सारे बोलते हैं ना दरवाजे ही बंद हो जाएं, मतलब बिल्कुल ही अनलक है, लेकिन उस बंदे में अगर काबिलियत है ना, वो दरवाजों को तोड़ के बाहर निकल जाए।
ये सच बात, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे साथ अच्छा हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आपको अपने आप पर विश्वास है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अभी लगेगा, बार बार ऐसी फील आएगी समय समय पर, जब आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, छोड़ दो, मेहनत ही नहीं करते, छोड़ना मत, लगे रहना। क्योंकि आज से डेढ़ साल बाद आपको ये रियलाइज होगा, डेढ़ साल या जितना भी, जब भी आप एग्जाम देंगे, कि यार सच में इतना टफ नहीं था जितना टफ मैं समझता था। ये बात आपको बाद में रियलाइज होगी, अभी नहीं। अभी तो आपको हर चीज़ ही टफ लगेगी, अभी तो कुछ भी पढ़ाया जाए, इजी भी पढ़ाया जाए, वो भी टफ लगेगा। लेकिन जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे ना, उस समय आपको ये धीरे धीरे रियलाइज होगा, या जब रिजल्ट विजल्ट आएगा ना, यार इतना भी टफ नहीं था। तो जो लोग गिव अप कर देंगे ना, वो फिर कवर नहीं कर पाएंगे, और जो लोग गिव अप नहीं करेंगे ना, वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और स्मॉल स्मॉल जो बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, वो आपको लगता होगा देखने में कि यार ये इफेक्ट कहाँ करते हैं। जैसे दो स्टूडेंट हैं, दोनों का सेम कैलिबर है, दोनों होमवर्क करते हैं, एक 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 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता है, प्रॉपर लिखता है कॉपी में, एक दूसरा है वो भी अटेम्प्ट तो करता है लेकिन बहुत रैंडम करता है। रैंडम मतलब कहीं भी, जहां मन किया, जिस पेज पे मन किया उस पे कर दिया, ओवन का एक क्वेश्चन ऊपर है, उसके नीचे S1 है, मतलब रैंडम, लेकिन वो भी अटेम्प्ट करता है। मेहनती दोनों हैं, लेकिन एक बहुत सिस्टमेटिक वे में करता है, हर दिन सोचता है, क्लास में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको घर जाके अटेम्प्ट करता है, नहीं होता तो मार्क करता है, सीट में मार्क करता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा सब कुछ करता है लेकिन मस्त रह के करता है, वो टेंशन वेंशन नहीं लेता, जहाँ मन करता है कर देता है। तो जब मार्क्स आते हैं, तो दोनों के जो मार्क्स आते हैं उसमें से वो स्टूडेंट जो बहुत सिस्टमेटिक वे में करता था, उसके मार्क्स थोड़े कम आते हैं, लेकिन जो बहुत रैंडम था उसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते हैं। मतलब लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 3-4% का डिफरेंस रहता है, लेकिन डिफरेंस रहता है। तो ये बात बार बार उसको बुरी तो लगती है, जो बहुत सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ में काम को कर रहा था, लेकिन उसके द्वारा जो एफर्ट किए जा रहे हैं उसका रिजल्ट उसको नहीं मिलता, तो फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। तो आपको पता है क्या होता है, जब आप इस तरीके की रेगुलर हैबिट्स करते रहते हैं, मतलब रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, तो धीरे 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 आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स लॉन्ग जर्नी में ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। मैंने बहुत देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी जर्नी जब स्टार्ट होती है ना बहुत बुरी रही है, लेकिन 12th में आने के बाद उन्होंने जो चेंजेस किए हैं ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, वो 11th में पढ़ता ही नहीं था, पता नहीं क्या हो गया था, मतलब हो सकता है उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो उनके साथ थोड़ा बिगड़ वगैरह गया था, वो पढ़ा ही नहीं, मतलब क्लास आना बंद कर दिया, इस हालत तक बिगड़ गया था वो। दिवाली तक क्लास नहीं आया, दिवाली के बाद शायद उसको कुछ रियलाइज़ हुआ होगा कि चलो मैं क्लास कर लेता हूँ, तो उसने दिवाली के बाद क्लास करना शुरू किया, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। अब जिस इंसान ने 3-4 महीने पढ़ाई ना की हो और एकदम से शुरू करेगा तो ऑब्वियस दिक्कत तो होगी, लेकिन फिर ये था कि उसने सोच लिया था कि मैं करूँगा, तो 11th उसने की, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाया, कहाँ से करता, 3 महीने तो बचे थे उस समय। फिर वो 12th में आया, तो 12th में वो बहुत सिंसियर था और उसने मेहनत करना शुरू किया, बस उसने ये सोच रखा था कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना, बस करना है। तो जब उसने एफर्ट करना शुरू किया ना, तो उसकी 11वीं इतनी वीक थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसने जीवन में नाम ही नहीं सुना था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब वैलिड होगा कब नहीं, तो दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप से बोल रखा था कि एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, सीखूंगा। तो जब जब दिक्कत आती थी, जहाँ जहाँ 11th के किसी टॉपिक का यूज होता था, वो उसको मार्क करता था, मुझसे पूछता था। तो शुरुआत में तो मुझे भी लगता था कि बड़ा गधा है यार ये, मतलब इसको कुछ आता ही नहीं है, मतलब ये भी नहीं पता इसको, मतलब लगता ही है ना, मतलब कि यार क्या करके आया है। तो क्या था कि वो मेरे से एक बार पढ़ा था, फिर सफलिंग हो गई थी तो चला गया था, तो मैंने रिकॉग्नाइज किया, तो मुझे याद आया ये तो वही स्टूडेंट है। तो मैंने एक बार उससे पूछा कि तुम मुझसे पहले कभी पढ़ चुके हो, तो उसने बोला कि हाँ सर TCP4 में पढ़ा था, तो मुझे याद तो आ गया। तो फिर मैंने कहा कहाँ थे इतने दिनों से, मतलब एक P4 बैच में पढ़ा था, तो पहले होता था, अभी नहीं है वो बैच, है ना। तो मैंने कहा कहाँ थे इतने, सर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी मैंने। अच्छा तो फिर अब कैसे एकदम से विचार, अगर नहीं सर बस अब करना है, बस करना। तो मैंने देखा कि जब वो 12th में था तो बहुत ही सिंसियर, मतलब उस पूरे बैच में वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स में से वो था,
कभी रेयरली हुआ होगा कि जब मैंने होमवर्क दिया हो वो करके ना आया हो, इवन फिजिक्स का ही नहीं, वो हर सब्जेक्ट का होमवर्क करता था। शुरुआत में दिक्कत होती थी लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा, और फिर बाद में मैं जब एक दिन रिजल्ट बैठ के देख रहा था तो मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स देख रहा था उस बैच के, तो उन टॉप 5 में था। और अभी स्कोर वगैरह हो रहे हैं ना, ये स्कोर चल रहे हैं उनके एंथ्यूज के, तो अभी मैं उसका रिजल्ट वगैरह मैं मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार गजब किया इम्प्रूवमेंट। तो बीच बीच में जब जब टाइम मिला तो उसने 11th के उन टॉपिक्स को लीडर या नर्चर के बैचेस में अटेंड करके भी क्या किया, कवर किया एक दो टॉपिक जो कर सकता था, पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन जैसे मैंने उसको बोला था थर्मो वाला कर लो क्योंकि थर्मो ईजी होती है, ठीक है, तो थर्मो वाला बोल दिया था, सेंटर ऑफ मास कर लिया। तो अभी स्कोर के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो स्टूडेंट बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन मतलब बिलो एवरेज होने के बाद भी अभी इस समय वो लगभग 25-35% के मिड में स्कोर कर रहा है, जो कि बहुत बुरा नहीं है, एक एवरेज और एक अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेंस में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब जिसको 11वीं में कुछ भी नहीं आता था वो भी इतना अच्छा कर रहा है तो तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस वही है कि उसके दिमाग में एक ही था, उसने पूरे साल एक भी दिन मुझसे ये नहीं बोला। जिस दिन वो होमवर्क करके नहीं आया ना, मुझे क्लास से पहले बोल देता था कि सर मैं होमवर्क करके नहीं आया, क्यों नहीं आया, मैं सो गया था या मेरा मन नहीं हो रहा था, पता नहीं अजीब सा लग रहा था मेरे को, मेरा मूड नहीं हुआ करने का। मतलब इतना मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इतना होता है ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो है वो बोलता है, मतलब कहीं भी कोई चीज़ घुमाता नहीं। मैंने कहा क्यों होमवर्क नहीं किया, अरे सर पता नहीं फ्रस्ट्रेशन हो रहा था छोड़ दिया मैंने। मैंने कहा क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था सर मैं तो पूरी रात। हाँ सर पूरी रात खेला, फिर सुबह क्या किया, सो गया सर। कब उठा सर, अभी उठा 1 बजे, और खाना खा के सीधे आ गया, नहाया भी नहीं हुआ तो। बिल्कुल जो डिक्टो जो उसकी रियल लाइफ में होता है ना वो बताता है वो मेरे को, ठीक है। मतलब कहीं भी कोई भी चीज़ मॉडिफाई नहीं करता, और यही रीज़न है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उनको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं ना तो यहाँ पे स्कोप है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारी आदत होती है क्यों नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो भैया सच बोलना सीखो, और साथ ही साथ जो भी गलतियाँ कर रहे हो ना उनको क्या करो, एक्सेप्ट करो। और 12th में जाने के बाद, 11th अभी ख़त्म हो रहा है, ध्यान रखना ख़त्म होते होते ज़्यादा एक्साइटेड मोड में मत आ जाना। ये 2 हफ्ते जो बचे हुए हैं ना, इन 2 हफ्तों में जितना भी आपको पढ़ाया जाए एटलीस्ट उतना तो अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। और बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जितना होमवर्क मिले करते रहना, जितना हो पाए कर लेना, छोड़ना मत। क्योंकि जब 12th में जाओ ना तो ये दिमाग में बार बार टेंशन ना रहे कि यार आखिरी के जो हफ्ते में पढ़ाया था वो पढ़ा नहीं, यार मैंने पढ़ा नहीं, मतलब वो बड़ी दिक्कत होती है। क्या ना मतलब अब 2 हफ्ते बचे हुए, पूरे साल क्या किया या क्या नहीं किया वो साइड में करो, और ये बचे हुए 2 हफ्तों में इतनी मेहनत करो, इतनी ज़्यादा मेहनत करो ना कि जब भी 2018 की याद आए ना तो कम से कम आखिरी के 10 दिन तुम्हें याद आए, जीवन में मेहनत तो सिर्फ मैंने वो 10 दिन ही करी। में अच्छी बुरी चीजें याद आए या ना यार, लेकिन तुम्हें ये याद आया वो आखिरी के जो 10 दिन थे ना यार, वो 20 दिसंबर से लेके 31, भाई साहब मैं 2-2 घंटे सोया था बस, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, मतलब क्योंकि अब ये लास्ट के ओवर चल रहे हैं, मतलब है ना। तो जितना अच्छा हिट करोगे उतने बड़ा टारगेट क्या करोगे, स्कोर कर पाओगे। तो 10 दिन जो बचे हुए हैं, 10 से 12 दिन ना, तो दिमाग में से बिल्कुल निकाल दो कि क्या होगा, टेस्ट में अच्छा होगा, रिवाइज होगा नहीं, अरे गया सब रिवाइज होने में। अब जो बचा हुआ है ना अपनी तरफ से 100% करना है, ठीक है, याद रखना।